चंदन की खुशबू फिजा को खुशनुमा बना देती है, और अगर यही महक किसान को खुशहाल बना दे तो क्या कहने। एक किसान ने ये सब कर दिखाया है। हाजीपुर गांव के किसान परंपरागत खेती के साथ खेतों में चंदन के पौधे रोप किस्मत आजमा रहे हैं। किसान रूपराम ने बताया कि उन्होंने दौसा में चंदन के बारे में सारी जानकारी ली और अपने घर आकर ये तय किया कि वो अब अपने खेत में चंदन की खेती करेंगे। रूपराम ने आंध्र प्रदेश से 300 पौधे मंगवाए, जिसमें एक पौधे की कीमत 550 रुपए थी। जल्द ही चंदन के ये पेड़ किसान को अच्छा मुनाफा देंगे। रूपराम ने बताया कि हाजीपुर में सबसे पहले उन्होंने चंदन की खेती की शुरुआत की, लेकिन आज यहाँ पर कई लोग चंदन की खेती कर रहे हैं और रूपराम उन्हें चंदन की खेती के बारे में जानकारी देते हैं। अभी रूपराम ने अपनी आधा बीघा खेत में ये चंदन के पौधे लगाए हुए हैं, जो कि धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में इन्हीं चंदन के पेड़ों से रूपराम को करोड़ों की कमाई होगी। पापा पहले दौसा घूमने गए थे, तो वहाँ पर कुछ पौधे लगे देखे चंदन की, जानकारी की क्या फ़ायदा क्या है इसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही है, आप इसको लगाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। फर्स्ट में आधा बीघा में लगाए थे, 1.5 फुट का आया था, 550 की एक पौधे की कीमत आई थी फर्स्ट में, और 1 से 1.5 साल के बीच में इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हमने आंध्र प्रदेश से ऑनलाइन मंगवाए थे और इनकी 15 साल मिनिमम होती है बिकने की। प्राइस पेड़ी के साइज के हिसाब से होता है, जितनी मोटी पेड़ी होगी उस हिसाब से बिकेगी, और कम से कम 1 से 1.5 लाख के बीच में। आपके लिए दीमक से बचाव, सर्दियों से बचाव करना पड़ता है, पाला पड़ता है, तो उसके लिए भी गर्मियों में पानी होने टाइम से देना पड़ता है।